Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Uska vipreet rehta hai mythology, which is science or study of a clever imagination. Aaj hum log ek aise sant ke baare mein baat karne ja rahe hain jise main personally mila tha aur professor Ramesh Umesh Pankaj ji Kusumita ji ki wajah se mila tha unko aur mera experience personally bahut hi अच्छा रहा, जैसा कि मैं पैरवी सन्यासियों के साथ मिलता रहता हूँ तो वैसे ही लगा मुझे। तो आज और हम देखेंगे कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जहां पर कोर्ट में उनके साथ बदतमीजी की गई कुछ लोगों के द्वारा। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, प्रोफेसर रमेश उमेश पंकज जी एंड डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। तो इस सबसे पहले आज के शो में कुसुमलता जी से पहले सुनते हैं कि बाबा रामदेव जी के साथ जो कोर्ट में जज ने उनसे जो टिप्पणियां की, whether it was right or wrong, और एक्चुअली मुझे तो काफी दुख हुआ था उनके बारे में जो कोर्ट में ऐसा बोला गया। तो हम कुसुमलता जी से सुनते हैं। देखिए, मैं जो कहने जा रही हूँ पूरी जिम्मेदारी और पूरी गंभीरता से, इसको हल्के में श्रोता न ले। जस्टिस अमानुल्लाह, जहां तक मेरी जानकारी है, एक्स मुस्लिम नहीं है और बिलीविंग मुस्लिम है, यानी कि मोमिन है। यदि वो मुनाफिक और मुशरिक हो, उन्होंने ऐसा कुछ बता रखा हो, तो मेरी जानकारी नहीं है, मुझे उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। नाम से ही मान रही हूं कि वो मोमिन है। मोमिन होने का मतलब है कुरान में आस्था, नबी के आदेशों का जो अल्लाह ताला ने उनके मार्फत दिया है उसका पालन, और उसके पालन में तो काफिरों के साथ क्या करना है, उनका संपूर्ण उच्छेदन और विनाश करना है, ये उनका मजहबी दायित्व है। तो संविधान और कुरान में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये बात बड़े ध्यान से कम लॉ वालों को समझना पड़ेगा। संविधान कहता है सबके साथ न्याय, कुरान कहता है एक विशाल सेक्शन का संपूर्ण विनाश घृणित तरीके से विनाश, उच्छेदन, समूल नाश, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अकोमोडेशन का कोई उपाय नहीं है। संविधान कहता है भाईचारा, नो डिस्क्रिमिनेशन। कुरान का आधार ही है बिलीवर्स का भाईचारा, नॉन बिलीवर्स का डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत छोटा शब्द है, संपूर्ण उच्छेदन। संविधान स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता है, कुरान तो जो भेद करता है वो संविधान की दृष्टि से भयंकर है। तो फिर ये ध्यान देना होगा कि भारत का जो जुडिशरी है, जो पूरा का पूरा ये जूरिस्प्रूडेंस है, जो लीगल सिस्टम है, ये एंग्लो सेक्शन लॉ पर आधारित है। उसमें दुनिया भर के पैबंद बाद में लगते रहे हैं, लेकिन स्वयं अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने इसका ध्यान रखा था कि हिंदुओं का न्याय मुसलमानों के द्वारा तो नहीं होगा, मोमिनों के द्वारा तो नहीं होगा। और मैं तो इसके आगे की बात कर रही हूं, क्या वर्तमान संविधान के तहत उन लोगों को भारत में किसी के भी न्याय का अधिकार दिया जा सकता है जिनका डिक्लेयर्ड, छिपा हुआ नहीं, घोषित मजहबी दायित्व है नाश कर देना। तो उन्होंने अपने मजहबी दायित्व का पालन किया, आई वुड रिप यू अपार्ट, और ये करके उन्होंने संविधान का अपमान किया, कोर्ट का अपमान किया,
क्योंकि अगर विषय भ्रामक विज्ञापन है तो भ्रामक विज्ञापन सबसे अधिक तो जो वादी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसका है भ्रामक विज्ञापन। और ये कहने वाला प्रमाण सहित कौन है? जहां उसका जन्म हुआ है, यूरो अमेरिका। यूरोप अमेरिका में एलोपैथिक सिस्टम के विरुद्ध, या विरुद्ध शब्द भी गलत है, उसके असलियत का जितना ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में जितना एक्सपोजर हुआ है साइंटिस्ट के द्वारा, मेडिकल सिस्टम के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, उतना तो स्वामी जी ने नहीं किया है। और अगली बात, ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के लिए उस वादी से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा है? जिन भ्रामक विज्ञापनों के आधार पर इसी कोरोना के समय सेकेंड वेव में जो दवाइयां दी गई, जिनके परिणाम स्वरूप कितने लोगों का मृत्यु, अपंगता, हार्ट फेल्योर, दुनिया भर की चीजें हम लोग तो न्यूज़पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं। इसके लिए जस्टिस अमानुल्लाह साहब और उनके साथ एक और कोई जस्टिस हैं, उन दोनों ने क्या किया? अब और आइए यूनानी सिस्टम का, हमदर्द का और बाकी का जो भ्रामक विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापन जिसके द्वारा लोग मर जाते हैं, ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से ही तो विज्ञापन का संसार भरा हुआ है। और स्वामी जी ने तो पहली बार में क्षमा मांग लिया, सन्यासी गृहस्थ के आगे खड़ा होकर क्षमा मांगे, ये न तो भारत की परंपरा है, न भारत की न्याय व्यवस्था है, न भारत का धर्म है, न सनातनियों का धर्म है। तो सनातनियों का दायित्व है, सनातनियों का धर्म है ऐसी घटना पर खून का उबल जाना। हमारा भी धार्मिक दायित्व है, हमारे भी पूर्वजों ने हमको कुछ आदेश दिए हैं, हमारी परंपरा ने हमको कुछ निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ तो भगवान का अवतरण जिस गीता को हाथ में लेकर इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कौन कौन से कोर्ट में शपथ लिया जाता है, वहां भगवान कहते हैं कि मेरा तो प्रयोजन ही धर्म की संस्थापना अधर्म के नाश के लिए है, गो विप्र और संत के रक्षण और संवर्धन के लिए है। तो हम सनातनियों का कर्तव्य, मतलब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यदि मेरा अपमान हो तो मेरे पास विकल्प है कि मैं क्षमा करूं या दंडित करूं, किंतु यदि मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों, मेरे धर्म, मेरे देवी देवता पर अपमान तो दूर की चीज है, कोई हल्का सा भी लांछन करे तो हम पर दायित्व है, हम पर आदेश है, हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उसका प्रतिकार करें। और इसका प्रतिकार तो होगा, एक बात। दूसरी बात, क्या कोई वो जो आजकल चलता है कि कोई डीप स्टेट है, तो क्या डीप स्टेट ने तय कर लिया है कि भारतवर्ष में एंग्लो सैक्सन कानून पर आधारित ही सही सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाए? क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार जो चल रहा है, ये घटना
उसमें एक कड़ी है। और क्या चल रहा है, एक खबर आई थी कि आतंकवादियों के कहने पर रात को सुप्रीम कोर्ट खुल गया। अब रात को सुप्रीम कोर्ट खुलने की जरा प्रक्रिया को समझिए। 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे जब भी सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, बंद हो जाए, उसके बाद अपराधी का भारी भरकम वकील किस मायने में, नोट के मायने में, जिसको ज्यादा रुपया जिसकी फीस है, ऐसा वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार या जो भी होते हैं उनको जगा सके और कहे कोर्ट खुलवाओ, सुनना जरूरी है। वो रजिस्ट्रार या जो भी उसकी व्यवस्था है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रात को 12 बजे फोन कर सके और सुप्रीम कोर्ट के जज रात को 12 बजे 1 बजे तैयार होके सूट बूट पहन के बाकी सारे स्टाफ को फोन करके बुला के हाजिर हो, अदालत लगाएं ऐसे अपराधियों के सुनवाई के लिए जो भारत के संविधान को बनाने वाले संसद पर हमला करते या इसी प्रकार के अन्य गंभीर अपराध करते हो। तो क्या कुछ जज, मैं पुनः गंभीरता से और पूरे दायित्व के साथ ये बात कह रही हूं, क्या कुछ जज डीप स्टेट के षड्यंत्र के शिकार हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजेस ने जिस तरह की पुस्तकें लिखी हैं, जिस तरह की बातें कही हैं, उनको भारत की नागरिक मैं हल्के से तो नहीं ले सकती। और स्वयं 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2019 में या 2018 में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने चीफ जस्टिस के विरुद्ध उनके अनियमितताओं को लेकर। तो जिनके विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, जिनके नाम अभी नहीं आए हैं, क्या उन पर भारत का नागरिक शंका भी ना करे? भारत का संविधान हमको अभिव्यक्ति का वो अधिकार देता है, हमको अपने बुद्धि से सोचने का, विचार करने का, विवेक सहित चर्चा करने का अधिकार देता है। ये ईरान इराक नहीं है, ये PLO नहीं है, ये ध्यान रहे ये सऊदी अरेबिया नहीं है, ये ध्यान रहे कि ये पाकिस्तान भी नहीं है। और मैं ये बात बहुत गंभीरता और दायित्व बोध के साथ कह रही हूं, कहीं ऐसा ना हो साल भर 2 साल में समझ में आए ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम की चर्च की जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हमारे जज लोगों को नहीं पता? क्या हमारे जज लोगों को नहीं पता कि एलोपैथी को 20वीं शताब्दी में या अमेरिका के कुछ पूंजीपति, तो मैं नहीं कहना चाहूंगी लेकिन जो भी पूंजीपति शब्द है, जो ड्रग इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे, उन्होंने कैसे इसको वर्चस्व दिया? क्या हमारे जज लोगों को नहीं पता है कि एलोपैथी की सिद्धता के विषय में तो एक सर्टिफिकेट नहीं है? अभी एक अमेरिका के डॉक्टर का कहना है हर महीने 15,000 लोग अमेरिका में डॉक्टर्स के कारण मर जाते हैं, और उसका कहना है कि ट्विन टावर में केवल 3200 लोग मरे और युद्ध पे अमेरिका चला गया, हर महीने 15,000 लोग जो मरते हैं। तो क्या हमारे जज लोग अनपढ़ हैं, अनभिज्ञ हैं, बिना विषय को जाने इनको कुर्सी पर
कोलिजियम सिस्टम से बैठाया जाता है। ये स्वामी रामदेव जी का मामला अकेला मामला नहीं है। और इनसे ये कहना कि आप एलोपैथी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे, क्या उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीनी जा रही है एक नागरिक के रूप में, और क्या सनातनियों के पूजनीय के साथ अशिष्ट अभद्र व्यवहार करके हमको ललकारा नहीं जा रहा है वीरता को प्रकट करने के लिए। अभी तो बस इतना। जी आदित्य जी, रामेश्वर जी, शैलेंद्र जी से कहिए। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी प्लीज। नहीं पंकज जी बोलिए आप। नहीं नहीं आप बोलिए, आपका प्रस्ताव है जरा आप बोलिए, फिर मैं भी कुछ समझूंगा। अच्छा, तो सभी दर्शकों को, आपको भी, दीदी को, आदित्य जी को, सबको प्रणाम। मैं तो बड़े ध्यान मग्न होकर दीदी को सुन रहा था। दीदी ने बड़े विस्तार से बातों को लिया है और डीप स्टेट आदि सब विषयों को उठाया है। मैं थोड़ा सा तकनीकी पहलू की तरफ जाता हूँ कि देखिए, हमारे देश में मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मैं 3 वर्षों तक भारत सरकार में जो दवा का कारोबार है वो देखा है मैंने, और बड़े नजदीक से देखा है क्योंकि मेरे पास वो कारोबार ही था, तो बहुत कुछ जानने समझने का मुझे अवसर मिला। क्या है कि हमारे देश में स्वतंत्रता से पूर्व ही, आज की बात नहीं है, ये जो एलोपैथी के नाम पर आप देखेंगे, 1 मिनट के लिए आप समझिए कि कोई मोटा है तो पतला कैसे होगा, पतला है तो मोटा कैसे होगा, और सर दर्द से लेके बदन दर्द और कहाँ कहाँ क्या क्या आपको छोटा मोटा रोग है, उस सब के लिए जो प्रचार तंत्र है आप देखेंगे तो वो लगभग 100% मिथ्या है। जो बच्चों को दिया जाता है कॉम्प्लान और ये एक और क्या होता है बॉर्नविटा, इस सब की समय समय पर जांच हुई है। और अभी 4 या 5 दिन पहले जो ये बॉर्नविटा है, नेस्ले का है संभवतः, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो उनका ऐसा आया है कि लोगों ने शिकायत की है और देखा है कि उसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक है। और हमारे देश में पिछले 75 सालों से या उससे भी पूर्व, क्योंकि ये कंपनी पुरानी है, तो आप समझिए कि बच्चों को अत्यधिक चीनी की मात्रा दी जा रही है। और हमारे देश में कई ऐसे आकलन हैं जो बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में मधुमेह का रोग पकड़ रहा है। ये इतना खतरनाक है, आप समझिए कि ये सारी चीजें विष के समान है। जब मैं स्वयं इस बात को देख रहा था तो मुझे बताया गया कि ये सारी दवाएं नहीं है, इसलिए हम इनको नियंत्रित नहीं कर सकते। बाद में भारत सरकार ने FSSAI करके फूड सेफ्टी को लेकर के कानून बनाया और एक संस्था भी बनाई, तो उसमें अभी इसकी जांच हो रही है, उससे नोटिस दी गई है इस कंपनी को। लेकिन ये एक पहलू है, और शेष यदि आप जाएं दवाओं पर कि ये आदि खा लें तो आपका घुटना दर्द ठीक हो जाएगा, ये खा लें सर दर्द ठीक हो जाएगा, इस तरह के भ्रामक प्रचार प्रचुर मात्रा में पिछले 8-9 दशकों से हमारे देश में चलता रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे देश में ध्यान से यदि आप सोचें तो ये सारे पदार्थ अधिकतर जो बनाने वाले हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी, और उन कंपनियों में 3-4 देश प्रमुख हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड। इन 4-5 देशों का, थोड़ा बहुत स्वीडन भी बनाता है, इन 4-5 देशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका भारत देश में दवाओं को लेकर के, इस प्रकार की दवाएं और जिसको आप फूड सप्लीमेंट कहते हैं उनको लेकर के उनका एक आधिपत्य रहा है। दूसरी श्रेणी जो उत्पादों की है उसको हम लोग FMCG कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उनमें एक उदाहरण मैं देता हूं, वो है दंत मंजन या टूथपेस्ट।
तो हमें याद है कि डाबर वगैरह का कुछ दंत मंजन पहले हुआ करता था, लेकिन मुख्य जो बाजार है भारतवर्ष का, जितना बड़ा बाजार है, मान लीजिए 1000 करोड़ का होगा या 10000 करोड़ का होगा, उसमें अधिकांश जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के टूथपेस्ट का था, चाहे वो कोलगेट हो या अन्य कोई हो। और उसी प्रकार से आप साबुन आदि में देखेंगे तो यूनिलीवर जो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर उसकी हिंदुस्तान में जो कंपनी है, भारत में कंपनी है, उसका नाम। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए 1 लाख करोड़ का एक मार्केट था जिस पर उनका पूरा का पूरा आधिपत्य था मल्टीनेशनल कंपनी का। स्वामी रामदेव जी के जो उत्पाद हैं वो वही उत्पाद हैं जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां बना रही थी। तो ये जो 1 लाख करोड़ का मार्केट होगा उसमें स्वामी जी ने सेंध लगाने शुरू की। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो इनका जो बाजार का हिस्सा है वो बड़ा होता। एक समय आया कि स्वामी जी का जो हिस्सा है बाजार में वो इतना बड़ा हो गया कि इन कंपनी जो शेष कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी, उनके लिए संकट खड़ा हो गया। और आप ये समझिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, इन कंपनियों के पास पैसे बहुत हैं और इन्होंने सब वो उपकरणों का प्रयोग किया है कि स्वामी रामदेव जी को न केवल रोका जाए बल्कि इनकी साख को, इनकी विश्वसनीयता को बिल्कुल ही धूल धूसरित कर दी जाए, ताकि ये या इस प्रकार का कोई और व्यक्ति कल को कोई और उत्पाद बनाने की स्थिति में न हो। यह एक बड़ी चाल है। दूसरी चाल जो है, जो दीदी कह रही थी अभी एलोपैथी के बारे में, तो मैं आपको जानकारी दूं कि जिस व्यक्ति ने ये मुकदमा किया है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हेड था या अभी है पता नहीं, वह व्यक्ति ही आप ये समझिए कि ईसाई मिशनरी है। और उसको हमें मालूम है कि वो जहांगीर का समय या उसके बाद का हो, दवाओं का प्रयोग क्रिश्चियन मिशनरी ने बहुत किया है लोगों को ईसाई बनाने के लिए। वो चमत्कार के नाम पर दवा खिला देते थे, किसी का बुखार उतर जाता था कहते थे कि यीशु ने तुमको ठीक कर दिया। और ये चीज प्रचंड रूप में आज भी चल रही है। तो ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वह यह नहीं चाहता कि स्वामी जी जैसा व्यक्ति जो देसी इलाज और देसी जो हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका कहीं कोई नामो निशान रहे। स्वामी जी का जो अवदान है वो ऐतिहासिक है और अभूतपूर्व है, इस अर्थ में कि वे न केवल आयुर्वेद का उन्होंने भरपूर प्रचार किया है और उसमें लोगों का विश्वास जगाया है, अन्य अन्य कारणों से जो लोग छिटक गए थे उन चीजों से अवैज्ञानिक मानकर या अर्धसत्य मानकर, उन लोगों को उन्होंने वापस किया। दूसरा जो पक्ष है वो यह है कि योग से आप व्यक्ति को योग निवारण करते हैं उसका, या आप जिसको कहते प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो आपको रोग ही नहीं होगा। अब यह भी एक संकट है क्रिश्चियन दुनिया को, के लिए दोहरा संकट है। पहला संकट यह है कि एलोपैथी की विश्वसनीयता इससे घटती है। दूसरा संकट यह है कि यदि लोग रोगी नहीं होंगे तो फिर उपचार कहां से होगा, उपचार नहीं होगा तो फिर उनकी दवाएं कैसे बिकेंगी, उनका सिस्टम कैसे बिकेगा। दीदी ने कुछ एकदम से कहते हैं ना आंख खोलू बातें कही हैं अमेरिका अन्यत्र को लेकर के, एलोपैथी से क्या हानि है। मैं एक आपको जानकारी दूं कि पूरी दुनिया में एलोपैथी के लिए जो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि एलोपैथी के दो ही स्तंभ हैं। एक है सर्जरी, सर्जरी मतलब उसका व्यापक प्रयोग शल्य चिकित्सा का, जो आयुर्वेद में उतना नहीं है, हमारे प्राचीन काल में होता था लेकिन आज उससे वो बचते हैं। और उस शल्य चिकित्सा के लिए जो आपको आधारभूत वस्तु चाहिए वो है एंटीबायोटिक दवाएं। एंटीबायोटिक दवाओं के साथ अब क्या हो गया है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे शरीर में डेवलप कर गया, क्योंकि उसको बार बार लेते लेते हमारा शरीर पर अब उसका असर समाप्त हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया अपना स्वरूप बदलता रहता है। इसलिए एलोपैथी आज एक संकट के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यदि एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा तो कल को सर्जरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर्जरी का मतलब ही होता है बड़ा घाव, उसको भरने के लिए भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक की दवाएं चाहिए।
इस संकट की घड़ी में जब जांच पड़ताल होती है सारे विश्व में, तो ये पता चलता है कि सबसे बड़ा जो रोग का स्थान है वो है आधुनिक कहे जाने वाले अस्पताल। सारे के सारे अस्पतालों की बनावट ऐसे है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो, कि वो एयर कंडीशन बिल्डिंग होती है और उसमें बाहर की ना हवा आती है ना अंदर से हवा बाहर जाती है। नतीजा यह होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो मर नहीं पाता। आप कितना भी फिनाइल डालें, ये डालें, उसमें भी रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है। तो इसको बोलते हैं हॉस्पिटल अक्वायर्ड डिजीज। अब ये इतना भयंकर रूप ले चुका है कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, यह बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन मैं अस्पताल जाता हूं तो अस्पताल में मैं रोग को अर्जित करता। अब आप देखिए कि ये व्यर्थ की चीज हो गई कि नहीं हो गई। उसके बाद दो और छोटे छोटे उदाहरण दे देता हूं कि यदि मुझे कोई घाव हुआ है और मुझे कोई दवा मिली है, तो दवा मैं तब तक खाऊंगा जब तक घाव ठीक नहीं हुआ। घाव भर जाने के बाद मैं दवा नहीं लूंगा। दवा का उपयोग इतना ही है। लेकिन दो उदाहरण है, जैसे आपको मधुमेह हो गया, डायबिटिक है आप एक बार दवा लेंगे जीवन पर्यंत आपको दवा लेनी है। इसका अर्थ ही है कि वह दवा इस रोग का निवारण नहीं कर रही है, उसके लक्षण का निवारण कर रही है और उसका साइड इफेक्ट भी है। तो आप तो ले रहे हैं दवा मधुमेह के लिए, लेकिन अंग आपके अंग प्रत्यंग पर कोई ना कोई विपरीत प्रभाव उस दवा का पड़ रहा है। वही बात है ब्लड प्रेशर के साथ। एक बार किसी ने ब्लड प्रेशर के लिए दवा ले ली तो जीवन भर उसको बधुआ मजदूर होना पड़ता है उस दवा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यह दवा है या कुछ और है। स्वामी रामानंद जी ने यही तर्क रखा था और इस प्रकार के अनेक तर्क रखे थे, जिसके लिए मैं मानता हूं कि कोई गलत बात नहीं है। दूसरा जो पहलू है यूरोप का, वो है होम्योपैथी का। होम्योपैथी बिल्कुल ही अवैज्ञानिक पद्धति, यूरोप में इस पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन हमारे देश में ऐसी कुछ धारणा बनाई गई है जैसे लग रहा है कि वो आयुर्वेद का सगा भाई हो। ऐसी धारणा हमारे देश में है कि समझ में नहीं आता होम्योपैथी क्या चीज है। एक तो ये हुआ कि जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां थी या है, उनको स्वामी रामदेव जी को ध्वस्त करने का उद्देश्य था और उसमें वो कुछ हद तक वो कंपनियां सफल। अब न्याय क्या कहता है, जिस पर दीदी ने काफी टिप्पणी की है जज को लेकर के या जजों को लेकर के, मेरा कहना यह है कि यदि आप न्याय संगत होते तो एक साथ इतने भ्रामक विज्ञापन वाली कंपनियां हैं सबके सीईओ को आप खड़ा कर देते, स्वामी रामदेव जी को बुलाते, सबके साथ आप विचार करते या सबको आप कोई ना कोई निर्देश देते कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो। और इससे भी एक कदम आगे बढ़िए, जानलेवा जो चीज हमारे समाज में चल रही है वो है गेमिंग, और गेमिंग का प्रचार शाहरुख खान से लेकर के न जाने कैसे कैसे लोग, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं इस गेमिंग के कारण। या ये जो मोबाइल गेम वो है गेमिंग है, उसमें न जाने कितने बच्चों की जान अभी तक जा चुकी है। ये सारी चीजें जानलेवा है। स्वामी जी के वचन से किसी की मृत्यु हुई हो ऐसा कोई प्रमाण हमारे समक्ष नहीं, लेकिन ये जो हमारे समक्ष रोज मृत्यु हो रही है या हत्या की जा रही है, उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो स्वामी जी को के लिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये तकनीकी बातों के अतिरिक्त, कि स्वामी जी यदि केवल कंपनी होते, केवल पतंजलि होते, मान लीजिए एक मिनट के लिए, कि न तो उन्होंने योग का कुछ किया होता, न वो आयुर्वेद के का प्रचार किया होता उन्होंने, न भारत की धर्म या परंपरा पर कोई बात कही होती, न वो गिरवा वस्त्र पहनते, एक सामान्य सीईओ होते पतंजलि की और केवल उत्पादों का कारोबार करते, तब तो समझ में आता है कि आप उनको बुलाते, उनसे उस प्रकार बात करते जैसे वो कंपनी के सीईओ है। लेकिन इस पतंजलि को बनाने के पूर्व मैं यह मानता हूं बड़ी दृढ़ता के साथ कि जिस प्रकार उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया है भारतवर्ष में नहीं केवल पूरे संसार में, और जिस तरह लोगों को लाभ पहुंचा है, उनको संभवतः यदि किसी में थोड़ा थोड़ी भी समझ होती
उदारता होती या मन में न्यायपूर्ण व्यवस्था का कोई अंश होता तो उनको आज से 15-20 वर्ष पहले नोबेल पुरस्कार मिला होता। जितने लोगों को उन्होंने स्वस्थ किया है, जितने लोगों को उन्होंने आनंदपूर्ण जीवन जीने का की प्रेरणा दी है, तो इस विराट व्यक्तित्व को में से आप केवल पतंजलि के सीईओ को निकाल के खंड खंड करके आप दंडित नहीं कर सकते। उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और इसलिए एक सन्यासी के रूप में निस्वार्थ भाव से सारे जन जन की सेवा करना, देश में उसका प्रचार करना, और व्यावहारिक प्रभाव कितना है इसकी गणना हम आप नहीं कर सकते। आज स्वामी जी का जो स्टोर चलता है सारे देश में, उसमें बेचने वाले, उनसे जुड़े हुए लोग, उत्पाद बनाने वाले, उत्पादों के लिए खेती करने वाले, उनकी संख्या करोड़ों में है, करोड़ों में। शायद ही कोई भारत की बड़ी कंपनी होगी या कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी जिससे इतने लोग जुड़े हुए होंगे रोजगार को लेकर के। स्वामी जी का जो अवदान है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसकी गणना कठिन है। और आप वैसे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आपके पास भाषा नहीं है, लगता है आप किसी असभ्य समाज की उपज हैं। आप स्वामी जी को कहते हैं हम चीर के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। दीदी ने सही कहा, यह सनातनी समाज के विवेक की परीक्षा है, उसके धैर्य की परीक्षा है। यदि उसका धैर्य चूक गया, और चूकता जा रहा है, मैं स्वयं इस बात को देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, जिस प्रकार से स्वामी जी के समर्थन में लोग बाहर आए हैं, स्वामी जी के समर्थन में लोगों ने लिखा है, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जज अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, कल को कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। स्वामी जी भारतीय धर्म और परंपरा, भारतवर्ष में जो भारतवर्ष की विशिष्टता, उसका प्रतीक है। यह संभव है मनुष्य रूप में किसी से भी कोई भूल चूक हो सकती है, लेकिन यह भूल चूक कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई साजिश नहीं है। इसलिए उसी रूप में उनको लिया जाना चाहिए था। वो सम्माननीय है, वो पूजनीय है, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए था, चाहे वो कोर्ट हो या कोर्ट के बाहर हो। कोर्ट कोई चंद्रमा पर नहीं है, कोर्ट कोई किसी दूसरे ग्रह पर नहीं है। और मैं अधिक टिप्पणी जज पे नहीं करना चाहता, दीदी ने काफी कुछ कह दिया है, लेकिन यह सच्चाई है कि हमारे देश में जो जज हैं वो बिल्कुल ही हिंदू धर्म से अपरिचित हैं। दूसरा यह है कि उनमें जिज्ञासा भी नहीं है हिंदू धर्म को जानने, क्योंकि वो एंग्लो सैक्सन या चर्च का कानून चला रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। प्रकारांतर से वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म आगे न बढ़े, हिंदू धर्म का कोई ध्वजावाहक हो तो उसके पैर में बेड़ियां लगा दी जाए। अंतिम बात यह है कि आप कल्पना कीजिए कि यदि हमने एलोपैथी को उस रूप में हम पर नहीं थोपा गया होता, क्योंकि अभी मैं कानून में नहीं जा रहा हूं, सारे कानून एलोपैथी के पक्ष में बनाए गए हैं स्वतंत्रता के बाद, और उन्हीं को कहा गया, आपको आश्चर्य होगा जान करके, यदि कोई व्यक्ति आपको दवा लिख के दे दे कि ये दवा तुम खाओ, तो भारत में संविधान में जो कानून है उसके हिसाब से आप जेल जा सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जिसने MBBS की डिग्री ली हो, उसके बाद उसको लाइसेंस मिला हो, वही दवा आपको दे सकता है। नतीजा क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि सारे देश में जितने लोग भी जो कुछ जानकार थे, जैसे फार्मासिस्ट दवा के बारे में जानता है, नर्स दवा के बारे में जानती है, इन सबको इस दुनिया से अलग कर दिया गया, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर को फीस मिलती रहे, आप विवश होकर के उसके पास जाते रहे, और जो ना फीस देने के लायक है वे मृत्यु का वर्ण करें। ये इतने खराब कानून हमारे देश में बनाए गए। लेकिन मैं एक उदाहरण चीन का देना चाह रहा हूं। चीन का उदाहरण हमारे लिए इसलिए उपयुक्त है कि चीन ने वह काम नहीं किया जो हमने किया। देखिए, वहां कम्युनिज्म था, वो चाहता तो हमारे से अधिक धर्म विरोधी हो सकता था, हमारे से अधिक परंपरा विरोधी हो सकता था, हुआ भी, माओ ने कल्चरल रिवोल्यूशन किया, लेकिन दवा के क्षेत्र जो पारंपरिक दवाएं उसका चीनी लोग जो खा रहे थे, सेवन कर रहे थे शताब्दियों से,
उनको रोका नहीं गया। और आज चीन पूरी दुनिया में पारंपरिक दवाओं में सबसे आगे है, और इसलिए उसका जो उपचार है वो सस्ता है, सुलभ है, सबको उपलब्ध है। यह यदि भारत में हुआ होता, या मानता हूं कि आगे होगा, तो आप देखेंगे उपचार सस्ता है, सुलभ है, और लोगों में को स्वस्थ होने के लिए प्रेरित करने वाला तंत्र है। अन्यथा एलोपैथी तो आपको बीमार बनाने का उपाय बताता है। इसलिए स्वामी रामदेव जी हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही सम्माननीय है, पूजनीय है। आदित्य जी ने आरंभ में कहा कि उन्होंने भेंट की थी, उनसे मुलाकात की थी। मेरा भी सौभाग्य है कि पंकज जी और दीदी के कारण मैं 2 बार स्वामी जी से मिला। उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह, उनकी उमंग, भारत देश के प्रति उनका समर्पण, धर्म के प्रति उनकी आस्था, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रेरित करेंगी। इसलिए स्वामी जी अपने आप में एक अनोखा व्यक्तित्व हैं, और हम सब उनको देखते हैं, उनसे मिले हुए ये और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम सब लोगों को यह मानना चाहिए, जज के जैसा व्यवहार हुआ है उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, और यह आशा करनी चाहिए कि आने वाले समय में इस प्रकार का कार्य करने का कोई दुस्साहस न करे। तो मैं अभी वाणी पर विराम देता हूं। पंकज जी इस विषय में और प्रकाश डालें, और पंकज जी और स्वामी जी रहे हैं तो और भी कुछ बातें कहेंगे। नमस्कार। हाँ, जी हाँ, आप दोनों ने आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी और शैलेंद्र कुमार जी दोनों ने काफी बातें कह दी हैं। इससे प्रश्न उभरते हैं, वो हमें देखना चाहिए। इसके कम से कम 3 पक्ष हैं, वैसे तो बहुत पक्ष हैं। सबसे पहले तो एलोपैथी का पक्ष है, और एलोपैथी जैसा केडिया जी ने शुरू में बताया, स्वयं यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों और बड़े विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं, लेख लिखे हैं। कुछ लोगों ने उसे काला जादू कहा है, नितांत अप्रतिष्ठित, नितांत अविश्वसनीय उसे एक पद्धति कहा है। वस्तुतः एलो नाम भी शुरू में तो निंदा के अर्थ में दिया गया था, एलो माने फालतू की या व्यर्थ, तो एलोपैथी के बजाय अब उसका कुछ और नाम चल गया है, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट कहते हैं, साक्ष्य आधारित चिकित्सा। लेकिन कितने साक्ष्य? बहुत सारे सुअरों की चूहों को, आदमियों को मार मूर के जो प्रयोग किया, उसमें वो कोई निर्विवाद साक्ष्य नहीं है। और जो, लेकिन वो एक अलग बात है, वो वैज्ञानिकों के बीच की बात है कि उनका जो जीवाणुओं के बारे में, रोगाणुओं के बारे में शोध है, वो कितना प्रामाणिक है, क्या वो साक्ष्य से सही सिद्ध होता है, इस पर अलग विवाद है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सबसे पहले तो इससे ये पता चलता है, जैसा शैलेंद्र कुमार जी ने बताया, कि भारत सरकार ने इतने वर्षों में खुलेआम, और इसमें कांग्रेस पार्टी ही खलना है, कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम यूरोपीय अमेरिका के उस सेक्शन से जो अवैज्ञानिक है और जो एलोपैथी सिस्टम के नाम से दुनिया को लूट रहा है, उसके पक्ष में कानून बढ़ाए। ये बहुत ही लज्जास्पद बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बहुत निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें आशा है कि वो एलोपैथी नामक इस गलत तंत्र के एकाधिपत्य को समाप्त करेंगे, उसको संतुलित करेंगे, और भारत की अपनी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है वो कम से कम जितनी चीन में प्रतिष्ठित है उनकी उतर तो दें, चाहिए तो इससे अधिक, क्योंकि संसार में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक चिकित्सा पद्धति यही है। तो आयुर्वेद की पद्धति को इतना महत्व दिया जाए कि तरह तरह के लोग जो किसी अन्य विषय में भले होशियार हों, लेकिन इस विषय में अनजान हैं, मूर्खता की हद तक अनजान हैं, वो इसको इतने हल्के से न लें, आयुर्वेद को। तो एक तो ये पक्ष है कि आयुर्वेद के साथ न्याय होना चाहिए, और एलोपैथी जैसी अविश्वसनीय, अप्रतिष्ठित, अप्रामाणिक पद्धति के पक्ष में 70 वर्षों से भारत में जो एकाधिकारी निर्णय लिए हैं वो बहुत बड़ा अन्याय है। सनातन धर्म के अनुयायी और वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा के अनुयायी सभी भारतीय नागरिकों का अपमान है, उनके
टैक्सेस का अन्याय हुआ है, एलोपैथी को इतने बजट का एलोकेशन अब बंद हो, 77 वर्षों में जो एलोपैथी को दिया गया है वो रोक कर आयुर्वेद के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए मुख्य धनराशि लगाई जाए, पहला। दूसरी बात यह है कि कानून का सवाल उठता है। सबसे पहले तो एक शिष्टाचार का सवाल उठता है। भारत में कोई किसी भी पद पर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्य न्यायाधीश हो, तो वो भारतीय समाज का प्रतिनिधि है। वो अमेरिका के न्यायाधीश नहीं है, वो इंग्लैंड के नहीं है, वो फ्रांस के नहीं है, भारत के हैं। इसका अर्थ है वो भारतीय समाज की ओर से न्यायिक निर्णय के लिए उस पद पर भेजे गए हैं। सारे संसार में लॉ का प्राइमरी सोर्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है। लॉ की किसी भी विधि की वैधता वही है जहां तक वो उस समाज का, वो कोई भी विधि उस समाज की अधिकृत विधि है जो उस समाज की परंपरा और उसके रीति रिवाज और प्रथाओं का आदर करे। तो ये भारत में कौन सा कानून लगा हुआ है, इस समय भारत शासन को फिर से इस पर भी विचार करना चाहिए कि भारत में विधि का प्राथमिक स्रोत क्या है। अगर भारतीय कस्टम्स, भारतीय ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय शिष्ट परंपरा, भारतीय सभ्यता परंपरा इसका आधार नहीं है भारत के कानून, तो ये कानून अवैध हैं। इनकी फिर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि सारे संसार में लॉ प्राइमरी सोर्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है। तो क्या भारत के कानून भारतीय परंपरा, भारतीय ट्रेडिशन, भारतीय कस्टम्स से परे हैं? अगर नहीं, तो एक महान सन्यासी जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है और जिसके में सारे सारे संसार के बहुत लोग जानते हैं कि वो कितना बड़ा योगी है, कितना बड़ा तेजस्वी सन्यासी है, कितना ज्ञानी है, वेद वेदांग सबका ज्ञाता है, उसके पहुंचने पर माननीय न्यायाधीशों को क्या व्यवहार करना चाहिए? आप सनातन धर्मशास्त्र को नहीं मानते, ये तो हम समझ में आता है, अन्यथा सन्यासी के आते ही आसन छू लेना चाहिए, हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, फिर उनको आदर के साथ बैठाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए राजा से अधिक यानी राष्ट्रपति से अधिक सम्मान ऐसे तेजस्वी सन्यासी को देना चाहिए, नियम तो ये है। क्या भारत के राष्ट्रपति अगर किसी कारण सुप्रीम कोर्ट में आए तो यही व्यवहार करेंगे? लेकिन आपको, मान लीजिए आप भारतीय सभ्यता से अपरिचित हैं, भारतीय समाज की परंपरा से अपरिचित हैं, शिष्टाचार से अपरिचित हैं, तो भी आपको यह अधिकार किसने दिया है कि आप इस तरह से व्यवहार करें एक इतने बड़े योगी और सन्यासी के साथ कि सारा देश तिलमिला उठे? से तो आपके प्रतिष्ठा तो शंका में पड़ी गई, संदेह में पड़ी गई। आप भारतीय सभ्यता के, भारतीय समाज के प्रतिनिधि हैं क्या? इसमें शंका उठती। तो दूसरा पक्ष यह है कि पहला, एलोपैथी के साथ जो एकाधिकारी पक्षपात किया गया है वो बंद हो, आयुर्वेद को समान रूप से न्याय मिले। दूसरा, इतने बड़े सन्यासी जो सर्वमान्य सन्यासी हैं उनके साथ जजेस साहब को व्यवहार करते समय थोड़ी सभ्यता और शिष्टाचार दिखाना चाहिए। तीसरी बात ये कि ये जो लॉ का सोर्स है वो क्या है? भारत में ऐसे कौन से कानून चल रहे हैं जिसमें जजेस जो चाहे वो कर लेते हैं? इसका परीक्षण होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एक लॉ कमीशन फिर से बने और भारत शासन, भारत के हमारे जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जो उस संविधान की शपथ खाते हैं जो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अधिकृत किया है, तो भारत के लोग सर्वोपरि हैं, उनकी परंपरा और मान्यता और सभ्यता और ज्ञान परंपरा सर्वोपरि है। ये कौन लोग हैं जो भारत की कस्टम्स और ट्रेडिशंस को, भारत की मान्यता परंपरा को धेले भर नहीं बुनते और कुछ भी बोले चले जाते हैं? तो ये ऐसे जो हैं वो किस कारण से ऐसे पदों पर पहुंच रहे हैं? तो इस पूरी प्रक्रिया पर भी ध्यान होना चाहिए, जांच करना चाहिए। और पता लगाना चाहिए कि भाई आप भारत शासन को पहले इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि कौन सी पद्धति चल रही है जिससे इस प्रकार के जजेस जा रहे हैं जिनको भारतीय परंपरा का, भारतीय न्याय परंपरा का, भारतीय विधि परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। अब इसके बाद व्यावहारिक प्रश्न है कि ये तो स्पष्ट है कि ये एलोपैथी के पक्ष में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में आंख मूंद कर व्यवहार हो रहा है। जैसा आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने शुरू में कहा कि पहली बात तो ये है कि एक सन्यासी के साथ किस जज को सुनवाई का अधिकार है? अगर आप भारतीय परंपरा से चलें तो
किसी सनातन धर्म में निष्ठा से शून्य जज तो सुनवाई का कार्य ही नहीं। इन सब बातों पर भी विचार करना चाहिए, वो एक ज्यादा व्यापक विचार है। क्योंकि भारत में ये तमाशा चल रहा है कि एक साथ कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं भारत के सनातन धर्म को, हिंदू परंपरा को, हिंदू धर्म को नष्ट करूंगा, इसकी प्रतिज्ञा करने वाले मजहब या रिलीजन को वो अपना सकता है, वो कह सकता है कि हम ला दरबिया ला शर्ती इस्लामिया इस्लामिया सारे भारत में केवल इस्लाम फैलाएंगे, अगला कह सकता है कि सारे भारत में जीसस का प्रकाश फैलाएंगे, और उसी समय वो ऐसे कोर्ट में बैठ सकता है जो मुख्यतः हिंदुओं के साथ न्याय के लिए बने। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है, क्योंकि सनातन धर्म में निष्ठावान लोगों के, खासतौर से जो उसके प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनकी सुनवाई का अधिकार ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो किसी मजहब या रिलीजन में आस्था रखते हैं। भारत में सनातन धर्म के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रकरण की सुनवाई सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाला जज ही कर सकता है, और ये अंग्रेजों के समय तक था। ये कांग्रेस ने क्या बना दिया है, इसका भी परीक्षण होना चाहिए। खासतौर से अगर कोई कहता है मैं पक्का मोमिन हूं या मैं पक्का क्रिश्चियन हूं, तो उसे हिंदुओं को कोई भी प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये एक पक्ष है। तो तीन चार पक्ष हैं। पहली बात की यदि भारत में संविधान का शासन है जो कि सर्वमान्य है और संविधान के अंतर्गत ही चुनाव हो रहे हैं, तो फिर संविधान विरोधी विचारों, पंथों, मजहब और रिलीजन को भारत में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उपासना अकेले आप कुछ भी करें, लेकिन इनको सार्वजनिक रूप से मानने वाला व्यक्ति भारत शासन के तीनों में से किसी भी अंग में जाने का अधिकारी नहीं, कार्यपालिका में नहीं, विधि पालिका में नहीं, प्रशासन में नहीं। तो ये होना चाहिए, है ना, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का अधिकार है, ना ही जुडिशियल प्रोसेस में, और ना ही पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो भारत को नष्ट करने की घोषणा करने वाले रिलीजन मजहब या आइडियाज का अगर अनुयायी है, तो ये एक व्यापक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस अमानुल्लाह खान को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। कायदे से उन्हें स्वयं कह देना चाहिए था कि मैं तो बड़ा निष्ठावान मोमिन हूं और मेरी हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं है, और हिंदू धर्म के इतने बड़े सन्यासी आ रहे हैं, इनके प्रति जो उचित शिष्टाचार सम्मान है मैं जानता नहीं और जानूंगा भी तो निभा नहीं सकता, इसलिए इस प्रकरण से मुझे अलग किया जाए। जब किसी जज का अगर रिश्तेदार किसी केस में आए तो जज कह देते हैं कि हम इस केस को नहीं सुनेंगे। इसी प्रकार अगर उनका कोई ज्ञात विरोधी आए तो उसे भी वो नहीं सुन सकते। अगर घोषित हो कि ये जो वादी है ये जज, उसका इन जज साहब से दोत रहा है, तो वो उस केस को नहीं सुनते। तो इसीलिए किसी सनातन धर्म के निष्ठावान सन्यासी का प्रकरण किसी मुमिन या किसी क्रिश्चियन को सुनने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि वो तो घोषित रूप से सनातन धर्म के विरोधी है। तो ये तो ला पॉइंट है। एक तीसरी बात ये पता करनी चाहिए व्यापक सार्वजनिक स्तर पर कि भाई विज्ञापन कैसे हो, इसकी नीति बनाना तो कार्यपालिका का काम है। विज्ञापन कैसे हो इसकी नीति बनाने का, जितना मैंने कानून पढ़ा है, मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन ये न्यायपालिका का क्षेत्र ही नहीं है। विज्ञापनों के बारे में भारत शासन नीति बनाएगा और वह सभी नागरिकों की सभी संस्थाओं के लिए बनाएगा। तो किसी एक संस्था के विज्ञापन को लेकर कोई भी विवाद सुप्रीम कोर्ट में आ ही कैसे सकता है? मैंने उस पूरे प्रकरण को विस्तार से नहीं पढ़ा कि उन्होंने कोई और कही है, क्या उन्होंने ये कहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रोफेशन को इससे धक्का लगा है, क्या उन्होंने ये कहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शाख गिरी है पतंजलि के कारण, क्या प्रकरण है ये अभी अध्ययन करने वाला हूं मैं। लेकिन विज्ञापन को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विज्ञापन कैसे हो ये बनाना संसद और कार्यपालिका की नीति के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा नहीं है, वो केवल लॉ पॉइंट सुनेगा और ये देखेगा कि लॉ का कहीं उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। अब अगर लॉ का उल्लंघन पतंजलि के द्वारा कहीं हुआ है तो उसकी इतनी सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन करना, उसकी निंदा को, ये तो पक्षपात दिखाता है, ये माननीय न्यायाधीश का अन्यायपूर्ण आचरण है, ये माननीय न्यायाधीश का अमर्यादित आचरण है। वो इस प्रकार किसी एक कंपनी के प्रति विशेष क्षोभ नहीं दिखा सकते, ये जनहित है। अगर विज्ञापन जैसे मामलों के द्वारा कानून का उल्लंघन हुआ है तो उससे एक सार्वजनिक
नियम निकलता है, फिर उनको एक फुल बेंच को, पूर्ण पीठ को, पूर्ण संविधान पीठ को उसकी सुनवाई करनी चाहिए। इस तरह से आप आर्बिट्रेरी अचानक किसी एक संस्था विशेष के विरुद्ध टिप्पणी नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है, और इससे जज साहब की गरिमा बहुत नीचे गई है और भारत के एक सर्वमान्य सर्वपूज्य सन्यासी के प्रति इतना निरादर करना जजेस को बहुत नीचे गिरा रहा है, उनकी प्रतिष्ठा पर शंका पैदा कर रहा है, इस संपूर्ण न्याय व्यवस्था पर पुनर्चिंतन की अपेक्षा कर रहा है, और एलोपैथी प्रति इतना अंधा पक्षपात भारत शासन क्यों करता रहा है, आयुर्वेद जैसे विश्व के कल्याणकारी मार्ग को हम कब प्रश्रय देंगे, ये सब प्रश्न भी उठते हैं। और उसे भी बड़ी बात जो शैलेंद्र कुमार जी ने कही कि करोड़ों हितग्राही और करोड़ों लाभार्थी पतंजलि से जुड़े हुए हैं, उनकी सबकी श्रद्धा परम पूज्य स्वामी रामदेव जी में और आचार्य बाल कृष्ण जी में है, आप सबकी श्रद्धा पर इस तरह से आघात नहीं लगा सकते। अंत में आप एक व्यक्ति हैं, एक विशेषज्ञ हैं कानून के जानकार, लेकिन आप कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि आप करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर यूं प्रहार कर दें। तो ये जो हुआ है निंदनीय है, सब प्रकार से धिक्कार के योग्य है, और अगर शिष्टाचार शेष हो तो माननीय न्यायाधीशों को कोर्ट से बाहर समाज में इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। नमस्कार। मैं इसमें थोड़ा सा एक डेटा पढ़ूंगा, मैं कुछ एक मिनट के डेटा पढ़ता हूँ। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो सेटअप हुआ था वो हुआ था 90, इसमें 3,50,000 मेंबर डॉक्टर्स हैं, और इसका सेटअप हुआ था 1928 में, और ये वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में जुड़ा था 1948 में, और ये ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का एक एक्सटेंशन माना जाता है। तो इट इज वेरी करेक्ट कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है इट हैज वेस्टर्न कनेक्शंस, और दूसरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज एक्सप्रेस अपोजिशन जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो आयुष मिनिस्टर का प्रोग्राम है उसको उसने अपोजिशन किया है, प्रोटेस्ट भी किए हैं, और उनके लिए एक पेजरेटिव टर्म बनाया था, मिक्सोपैथी भी बनाया था, एंड दैट इज द डेटा विच इज पब्लिकली अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म, लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का क्रेडेंशियल तो यहीं पे सिद्ध हो जाता है कि इट हैज ए फॉरेन कनेक्शन। और दूसरा अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का मैं वेबसाइट अभी देख रहा था व्हाइल वी आर डूइंग इट, उसमें आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं वो लोग, बिकॉज इट इज प्योरली ड्रिवन बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसीलिए अमेरिका में लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कम्स अंडर FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसपे भी रोक लगने जा रहा है धीरे धीरे। तो पतंजलि के ऊपर इन्होंने भी अटैक किया है, तो पतंजलि के ऊपर आई थिंक इट्स एन इंटरनेशनल डीप स्टेट कोऑर्डिनेटेड अटैक, तो ये दिखता है हम लोगों को। और इंडियन जजेस जो है जो कि ब्रिटिश कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं और इंडिया के वहीं से उनका रजिस्ट्रेशन होता है, सेल्फ अपॉइंटेड है, दे ऑल्सो फॉलो द सेम कोड विच इज गिवन बाय द इंटरनेशनल बॉडीज। और ये तो भारत को देखना पड़ेगा कि किस तरह जजेस आर नॉट कॉम्प्रोमाइज इन एनी वे, इतना मैं बोलूंगा मैं। यस कुसुमता जी, आप कुछ बोल रही थी। मुझे अब शो समाप्त हो रहा है तो मैं 2-3 अपील कर रही हूँ। हम लोग सदा मांग करते हैं सरकार ये करे सरकार वो करे, मैं भारत के सनातनी नागरिकों से 2-3 अपील कर रही हूँ, और एक अपील कर रही हूँ भारत के ये पूरे लीगल सिस्टम से, यदि मेरा अपमान होता है तो मानहानि का मुकदमा मैं कायम कर सकती हूँ, जो मैंने काशी में 3 लोगों के विरुद्ध कायम किया, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर भी है, सिविल प्रोसीजर भी है, और क्रिमिनल में 7 साल से 10 साल के कारावास का दंड है, और मेरे वाले मामले में अंत में लोगों को माफी मांग के हटना पड़ा। तो क्या स्वामी जी के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उससे हम लाखों करोड़ों करोड़ों सनातनियों का जो मान भंग हुआ है, क्योंकि स्वामी रामदेव जी हमारे मान बिंदु हैं, तो क्या जस्टिस जज पर मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं?
एक, यदि नहीं चलाया जा सकता है तो क्या भारत के जज पैगंबर नबी साहब हो गए हैं? इनफॉलिएबल, उनसे गलती ही नहीं होगी, उनसे त्रुटि ही नहीं होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, इसी सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस, तो ये इनफॉलिएबल नहीं है। इनके द्वारा यदि अपमान होता है तो क्या इनके सिटिंग जज रहते हुए मानभंग का मुकदमा किया जा सकता है, या जब ये रिटायर हो जाएं तब इन पर क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर चलाया जा सकता है? क्योंकि जहां तक मेरा ध्यान है शायद ये टाइम बार नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हम भारत के सभी नागरिक, क्या ये नहीं करना चाहिए सनातनी नॉन सनातनी सब, जो एलोपैथिक सिस्टम हम सबको हमसे हमारा पैसा लेकर रोगी बना रहा है, उसके विरुद्ध हम निंदा और धिक्कार का प्रस्ताव कम से कम सोशल मीडिया पर और जहां जहां जो फोरम हमको उपलब्ध हो निरंतर धिक्कार 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 और निंदा का प्रस्ताव पास करें, और इसी तरह सोशल मीडिया पर हम अपने आयुर्वेद के लिए, अपने योग के लिए, और ये हमारा अकेले का नहीं है, ये संपूर्ण संसार में इस 100 साल पहले वाले एलोपैथी के पहले संपूर्ण संसार को व्याधि मुक्त करता था, इसके इसको पुनः प्रतिष्ठित करने वाले स्वामी रामदेव जी को हिंदू समाज, सनातनी समाज, भारतीय समाज जगह जगह इस 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 अभद्र व्यवहार के निंदा के रूप में उनको बार बार बुलाए, अपनी शर्म को लज्जा को जाहिर करे और उनसे निवेदन करे कि आप ये श्रेष्ठ काम अबाधित रूप से करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। तो मेरी ये मांग भारत सरकार से नहीं है, उसको जो करना है मुझे पक्का भरोसा है करेगी। ये भारतीय समाज क्या करेगा, हमारा धर्म समाज क्या करेगा? हमारे साधु संत महंत तो अत्यंत संयमी है, किंतु हम नागरिक क्या करेंगे? मेरे को अभी एक दो बात सूझी है, अगर इस लाइन पर और लोग सोचे तो उनको 10-20-50 बात सूझेगी। क्या हम एक आंदोलन ऐसा ना खड़ा शुरू कर दें कि ये जो हमारे सन्यासियों के खिलाफ मनमानी दुष्टता हो रही है, अभद्रता हो रही है, ये होने का साहस इस घटना के बाद दोबारा ना हो। बस ये कहते मैं बंद कर रही हूँ। मैं अत्यंत आहत हूँ, और अगर ऐसा कोई मुकदमा का संभावना है तो वो मुकदमा मैं दायर करने में रुचि रखती हूँ, और नहीं है तो भारत सरकार इस पर कानून बनाए, आने वाला जो संसद है, कि जज लोगों को किसी के अपमान का अधिकार, किसी के अपमान का अधिकार, सन्यासी तो छोड़ो, मेरे जैसे सामान्य नागरिक के अपमान का अधिकार नहीं है। और मैंने स्वयं प्रयाग हाई कोर्ट में देखा है लफंगियां, मैं उदाहरण दे तारीख बता दूंगी, अशिष्टता की है, जज गुस्से में आके उसको कमरे से निकाल के बाहर कर दिए, लेकिन कुछ नहीं। तो क्योंकि वो मियां थी इसलिए। तो ये बंद करने का, इस डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने का मुझे पक्का भरोसा है, अगली संसद कोई उपाय अवश्य करेगी, तब तक नागरिक एक आंदोलन शुरू कर दे जो जिससे जितना बन पड़े। अमानुल्लाह खान के विरुद्ध बहुत सारे लोगों ने उनका एक रिकॉर्ड है अभद्र भाषा यूज करने का, उस वही मैं न्यूज क्लिपिंग दिखा रहा था आपको। नहीं जी, कोई किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और वैसे लोगों को तो मैंने कहा न्याय देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि वो मुनाफिक और मुशरिक है, इसका मतलब कि वो स्वयं को मोमिन मानते हैं, उनका तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव मोमिन का है, सनातन धर्म का नाश, अपने अलावा सबका नाश, उनका यह मजहबी दायित्व है।
खैर इस पर मैं और अधिक नहीं बोलना चाहती। चलिए हम कंक्लूड करते हैं। तो हम सभी लोग जो है सहमत हैं कि बाबा रामदेव के साथ जो है बहुत अन्यायपूर्वक, और ये जो उनके हिंदू समाज के साथ, हिंदू समाज के मान बिंदु सनातनियों के साथ, हम हिंदू समाज के मान बिंदु को के साथ अभद्र आचरण करने का जो दुस्साहस हुआ है उसकी हम घनघोर निंदा भर्त्सना करते नहीं, नहीं ये न हो, ये जिम्मेदारी हमारी है, किसी अन्य की ये जिम्मेदारी नहीं, ये दायित्व केवल और केवल हमारा है और हम इसको पूरा कर देंगे, इसमें मुश्किल क्या है भाई, इस पर क्लोज कर दीजिए। अब मैं तो गीता का एक ही शब्द बोलूंगा, अनुद्वे कर्म वाक्यम सत्यम प्रेतम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैवा वान मयम तप उच्चते, यू नो कि किसी को अनुद्वे कर्म वाक्यम, या अमर उल्लाह खान को सीखना चाहिए अनुद्वे कर्म वाक्यम, किसी के विरुद्ध अनुद्वे शब्द ना बोले, किसी को उत्तेजित करने वाले सत्यम प्रिय हितम चयत, अगर वो जैसे उन्होंने बोला अगर वो मोमिन अपने आप को मानते हैं तो और भी उनको इस तरह की भाषा यूज करनी चाहिए, अगर अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनको भारतीय सरकार को हटाने का पूरा अधिकार है। क्या भारतीय सरकार हटा सकती है, नहीं हटा सकती, वो किसी को पता नहीं है। चैलेंजर जी प्लीज। एक वाक्य में बोलना चाहूंगा इसमें भारत शासन को लेकर के जो बातें हुई हैं, कुछ पंकज जी ने भी कहा, कुछ दीदी दीदी तो खैर ये भी कह रही है कि भारत शासन क्या करे, हमारा क्या दायित्व है, बहुत अच्छी बात है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने इतिहास में पहली बार ये जो आयुर्वेद है या उपचार है या योग है इसका अभूतपूर्व प्रचार प्रसार किया है, साथ में आयुष मंत्रालय का गठन हुआ है इसी के प्रचार प्रसार के। उसके बाद आप लोगों का याद होगा कि कोरोना काल में जब स्वामी रामदेव ने जब दवा बनाई थी कोरोविल, उस कोरोविल को भारत सरकार ने मान्यता दी। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकारी तौर पर किसी दवा को मान्यता दी गई। और मैं आपको बताऊं कि समस्या की जड़ यही है, ये सुप्रीम कोर्ट और आईएमए प्रचंड रूप से भारत शासन द्वारा उठाए गए कदम जो है उनका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रामदेव जी संयोगवश एक मोहरा बन गए और जो काम आयुष अभी कर रहा है वो कभी पहले हुआ नहीं है। अब आयुर्वेद की दवाओं को सरकारी मान्यता मिलती है और सरकार यहां तक करती है कि उसका प्रचार प्रसार तक करती है, सरकार स्वयं आगे आ गई है। यह जो घटना घटी है इससे वो अकुलाहट है लोगों में, वो खलबली मची है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये केवल स्वामी रामदेव जी या आयुर्वेद के सिस्टम के विरुद्ध नहीं है, ये आज के भारत शासन के विरुद्ध भी उठाया गया कदम। इस स्पष्टीकरण के लिए मैं कहना चाह रहा था। तो सही जी, एकदम बिल्कुल, ये आप ही बता सकते थे, बहुत सही। ठीक है, बंद करो, मैं थोड़े ज्यादा आक्रोश में हूँ, पता चला कुछ अनुचित बोल गई, बंद ही करो। सभी दर्शकों का बहुत बहुत सभी दर्शकों में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक शेयर करिए और बाबा रामदेव तक भी पहुंचाइए वीडियो, कि सतोलॉजी की तरफ से उनको हम लोग पूरा धार्मिक प्लेटफॉर्म पे पूरा सपोर्ट करते हैं। और जजेस को भी बोलेंगे कि सभी सनातनियों का रिस्पेक्ट करें और इस तरह के अभद्र भाषा का सन्यासियों के विरुद्ध यूज करना ये भारत की परंपरा नहीं है, ये तो बिल्कुल। और अंत में सनातन धर्म की जय हो, स्वामी रामदेव जी की जय हो, पतंजलि योगपीठ की जय हो, आयुर्वेद का जय हो, जय हो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।